सोनम कपूर ने एक लंबा चौड़ा कॉलम लिखकर अपने व्यूज जाहिर किए हैं पूरे मीटू मूवमेंट पर। सोनम ने कहा, सर्वाइवर्स को बिलीव करना चाहिए, माना कि किसी को तब तक गिल्टी नहीं मानना चाहिए जब तक प्रूव ना हो जाए, पर इसका मतलब नहीं है कि जिन्होंने इल्जाम लगाया है उनको झूठा मान लिया जाए। सोनम ने यह भी कहा कि सेक्सिस जोक को एकदम भी प्रमोट नहीं करना चाहिए और घर की परवरिश में ही मर्दों को औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। सोनम ने आगे लिखा, दैट सेफ्टी नेट, द स्पॉटलाइट एंड द स्टेज फॉर माय ओपिनियन हैज ऑलवेज एनकरेज्ड मी टू हैव अ वॉइस। हाउएवर, द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड इट एज अ 17 ईयर ओल्ड वुमन, आई वाज टेकन अबैक बाय द क्रूडनेस ऑफ द रियल वर्ल्ड। व्हेन आई कॉल मायसेल्फ अ फेमिनिस्ट इन एन इंटरव्यू, आई वाज टोल्ड आई मस्ट नॉट, दैट इट मेक्स मी लुक अनफेमिनाइन। Fortunately, it's now cool to have an opinion and call yourself a feminist. It's probably why the joy and misery of the past few months is limitless. The hashtag MeToo movement has been as eye-opening and devastating as it has been exhilarating. It has and must continue to galvanize us into action and into a redemption of rights long awaited for the disempowered. The how of it is complex, but also really simple. सोनम ने यह भी लिखा कि उनकी एक फीमेल फ्रेंड अपनी मीटू स्टोरी इसीलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि उन्हें डर है कि उनसे फिर हर इंटरव्यू में उनके इस भयानक इंसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा और उन पर विक्टिम ये सर्वाइवर का लेबल लग जाएगा। इसलिए वी नीड टू गेट रिड ऑफ लेबल्स आल्सो। सोनम ने नाम न लिए बिना राखी सावंत पर भी निशाना साधा और बोला, वो तो बहुत हैंडसम लड़का है, उसको क्यों करना पड़ेगा। और सोनम ने इस बात की निंदा की। आपका क्या कहना है सोनम के इन थॉट्स के बारे में, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।